back to the channel. I hope you all are good and doing well. So I am back with the new vlog. आप लोग देखिए कैसा बैकग्राउंड है. बैकग्राउंड नहीं मिल रहा था तो आज मैंने इधर फ्लावर थे इधर बैठ गया हूँ बीच में मैं. तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ कांगड़ा फोर्ट. कांगड़ा फोर्ट जो कि हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे पुराना फोर्ट है. विगत रियासत भी बोलते हैं इसको. और यहाँ पर बहुत शक्तिशाली राजा हुए जैसे संसार चंद जी, जिनको ना केवल कांगड़ा किला के राजा बल्कि पूरे प्रदेश हिमाचल प्रदेश का सबसे शक्तिशाली राजा जिसे बोला जाता है वो संसार चंद जी है. और इस किले पर कई मुगल राजाओं ने आक्रमण किया लेकिन कुछ सफल भी नहीं हुए. जैसे अकबर जो कि मुगल राजा थे वो इस किले पर आक्रमण करने में सफल नहीं हुए थे क्योंकि पुराना ही नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली किला भी था ये. और आज मैं फर्स्ट टाइम कांगड़ा फोर्ट जा रहा हूँ अपनी लाइफ में. मेरे घर के बिल्कुल पास है लेकिन मैं आज तक नहीं गया हूँ. तो आज जा रहा हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है वहाँ पर. आज लगभग 400 सालों के बाद वहाँ पर राज्य अभिषेक होने वाला है. जैसे हम मूवीज में देखते हैं कैसे राजाओं को मुकुट वगैरह पहनाते हैं तो वैसे आज उधर भी होने वाला है. आज लगभग 489 राजा का आज राज्य अभिषेक है उनका. उनको आज राज तिलक करेंगे तो आज हम भी जा रहे हैं. देखते हैं हमें एंट्री देते हैं कि नहीं. मतलब बोला है वैसे तो आ सकते हैं सब लोग. तो देखेंगे उधर जा करके आप लोगों को दिखाऊंगा. आप लोग भी देखिए. और सबसे पहले वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो. आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं तो करिए और शेयर भी कर दीजिए करिए जो जो आपके फ्रेंड्स हैं. तो अभी चलते हैं सीधा कांगड़ा फोर्ट के लिए. मेरा एक भाई मेरे साथ जा रहा है. आज ज़्यादा लोग नहीं मिले मेरे को मेरे साथ ले जाने के लिए तो अभी मैं चलता हूँ. तो अभी हम इधर पहुँच चुके हैं कांगड़ा फोर्ट के पास. आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि इधर बहुत ही आज इधर होने वाला है राज्य अभिषेक. तो बहुत ज़्यादा अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला थोड़ी देर बाद. देखते होंगे कैसे इधर ढोल नगाड़े लेकर के आ रहे हैं. हमें नहीं पता है किधर होना है लेकिन अच्छे से आप डेकोरेट किया है पूरे फोर्ट को. पता नहीं कब होगा. वेट कर लेंगे हम जब तक होगा राज्य अभिषेक. अभी सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे. बहुत अच्छा अंदर टेंट वगैरह लगाए हुए हैं. चलते हैं अभी घूम लेते हैं हम तब तक. अभी हम ऊपर जा रहे हैं. ऊपर मंदिर में है राज्य अभिषेक. बोल रहे हैं 11 बजे हैं तो हम चलते हैं अभी ऊपर ही सीधा. हमने सोचा नीचे होगा नीचे टेंट वगैरह लगे लेकिन नीचे नहीं है ऊपर है. तो चलते हैं अभी ऊपर. इधर मैं खड़ा हूँ जहांगीर गेट पर. ये जहांगीर गेट है. जो जहांगीर गेट है ये तब बना था जब पहले अकबर जो यहाँ पर सफल नहीं हुए थे उसके बाद उनके बेटे जहांगीर इस किले पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया था तो तब ये गेट बना था जहांगीर गेट. बहुत से गेट है इधर बाकी इनका इतना नहीं पता है लेकिन इसका पता है. जहांगीर जी ने जब इधर आक्रमण किया था और आक्रमण करके सफल हुए थे. सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी. झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी. लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी. मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी. परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं. दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं. कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं. मैं आपको इधर का माहौल दिखाता हूँ कैसे सब लोग इधर. बहुत से राजा आए हुए हैं अलग अलग रियासतों से. अभी जब मैं आपको दिखाता हूँ राजा बैठे हुए हैं और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बनाने में. ये जो आप सामने देख रहे हैं ये चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं. ये राजा हैं कहीं के. ये राज तिलक करेंगे हमारे राजा ऐश्वर्य चंद कटोर जी को. आप देखिए रानी जी बैठे हुए हैं और राजा जी भी. अभी तो फिलहाल सभी इधर इकट्ठा हो रहे हैं. सभी कटोच वंश के जितने भी लोग हैं सभी इधर इकट्ठा हो गए हैं.
थोड़ी देर बाद होगा राज्यभिषेक। आपको दिखाया मैंने कैसे राजा बैठे हुए हैं, सब लोग पगड़ियाँ पहन रहे हैं अभी तो फिलहाल, ऐसे जो पुराने हम मूवीज़ में देखते हैं वैसे पूरा फील आ रहा है इधर। अभी थोड़ी देर बाद आप लोग वीडियो के साथ बने रहो, आपको दिखाते हैं कैसे होता है राज्यभिषेक। फर्स्ट टाइम हम भी देख रहे हैं, आई थिंक आप सब लोग पहले बार देखोगे ऐसे, जो हमारे इधर कांगड़ा फोर्ट में हो रहा है, लगभग 400 सालों के बाद हो रहा है ये। जैसे जैसे कोई भी राजा आ रहा था, ये जो महारानी है येलो सूट में, ये सबका स्वागत कर रही थी। देखिए आप, और फिर आगमन हुआ बड़ी महारानी जी का। लगभग ऐसे ही सभी रियासतों के बड़े बड़े महाराजा आ रहे थे, क्योंकि सबको निमंत्रण दिया गया था और रानी साहिबा सबका स्वागत कर रही थी बड़े ही अच्छे मिजाज से। आप लोग देख सकते हैं फिलहाल तैयारियाँ हो रही हैं राजा का इधर वेट करने, कब तक पूरी तैयारी होती है। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अब लोग मनाने में भी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और बोलना तो ऐसे ठीक नहीं लग रहा है। वॉइस ओवर कर दूंगा वीडियो पर, लेकिन आप लोग देखिए वीडियो को देखते रहना कैसे राज्यभिषेक करते हैं। फिलहाल तो अभी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, थोड़ी देर बाद कुछ 10-15 मिनट बाद हो जाएगा प्रोग्राम शुरू। तो अभी मैं आपको सीधा दिखाऊँगा कैसे राजा आते हैं। जैसे जैसे राजा आ रहे हैं सभी लोग एकदम से ऐसे खड़े हो जा रहे जैसे मूवीज में होते थे। तो अभी चलिए आपको दिखाता हूँ आगे। ये हमारी एक रोज बरादरी के सभी भाई और बहन, क्या कहता हूँ ध्यान से सुने। जब भी राजा साहब का राज्य हुआ उस समय 3 बार अंबिका माता की जय बोलेंगे। अंबिका माता की, अंबिका माता की। राजा की एंट्री होने वाली है, हम लोग को दिखाते हैं अभी राजा आने वाले हैं, सभी तैयारी हो गई है। सबसे पहले हवन से, जैसे पुराने समय के राजा किए करते थे, कोई भी कार्य करने से पहले हवन किया करते थे, पूजा वगैरह किया करते थे। तो यहाँ भी शुरुआत सबसे पहले हवन से की गई। ये जो आपको ऑरेंज से कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं होने वाले राजा ऐश्वर्य चंद कटोच जी। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो ये राजा बन गए होंगे, लेकिन आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद अब राजा जाएंगे मंदिर में ही, माता अंबिका देवी जी के मंदिर में दर्शन करने और माता जी का आशीर्वाद लेने। उसके बाद होगी शाही पोशाक पहनाने की प्रक्रिया, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। राजा ऐश्वर्य चंद कटोच जी माता अंबिका जी के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाते हुए तो पूजा अर्चना करने के बाद अब महाराजा जाते हुए शाही पोशाक पहनने के लिए। देखिए आप लोग कैसे सब लोग एक साथ चले हुए हैं, और कटोच वंश के ये लोग हैं जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं राजा ऐश्वर्य चंद कटोच जी की रॉयल पोशाक में रॉयल एंट्री, अपने परिवार के साथ, महारानी जी के साथ और उनके पुत्र के साथ।
त्रिगत रियासत के 489th राजा का राज तिलक होते हुए ये सभी जो बड़े बड़े राजा थे बारी बारी से आ रहे थे और महाराजा जी को राज तिलक लगा रहे थे और साथ में उपहार भेंट कर रहे थे। जैसा पुराने समय में किया जाता था वैसे ही ये राज तिलक संपूर्ण हुआ और सब राजाओं ने राज तिलक किया महाराजा ऐश्वर्य चंद कटोर जी को और त्रिगत रियासत को मिले अपने 489th राजा। भले ही आज हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है लेकिन जो हमारी पुरानी संस्कृति थी उसको बचाए रखना और उसको अभी तक चलाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर लगभग हिमाचल प्रदेश की सभी रियासतों के बड़े बड़े राजा यहाँ पर उपस्थित थे और हिमाचल ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के राजा भी यहाँ पर आए हुए थे जिनको राजा जी ने आमंत्रित किया हुआ था। सब लोग बारी बारी से आकर के राजा जी का सम्मान कर रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कितना ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है। कटोच वंश और राजपूत सभा के लोगों ने आज राजा ऐश्वर्य चंद कटोच जी का इधर राज तिलक किया है और आज से त्रिगत रियासत के नए राजा बन गए हैं। 489th राजा जो कि राजा ऐश्वर्य चंद कटोच बन गए। अभी हम जा रहे हैं घूमने ऊपर, आपको दिखाते हैं सभी। और अभी तक प्रोग्राम इधर चला हुआ नीचे। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा जान बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का चोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं, जाने मेरी जानी पर जानी मैनु छड़े लानी। के फोटो स्टेडिंग आप लोग भी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये आपने जो राज तिलक मुझे भी लगता है कि पहली बार देखा मैंने तो पहली बार देखा है, आप लोगों ने भी पहली बार देखा होगा अपने कांगड़ा फोर्ट में। तो अभी हम जा रहे नीचे फोर्ट के बीचों बीच है माता अंबिका जी का मंदिर, मंदिर दिखाता हूँ। यह है माता अंबिका जी का मंदिर जो कि महाराजाओं के टाइम से यह मंदिर इधर ही है फोर्ट के बीचों बीच। अब हम जाते हैं अंदर दर्शन करते हैं। कांगड़ा फोर्ट के बीचों बीच माता अंबिका जी का ये मंदिर है, हम लोग बहुत ही सुंदर से दर्शन है माता जी के और सब लोग कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं इधर से, मुँह से पानी निकलता है, हमारी दादी बोलती है इधर से जरूर पीना पानी, तो चलिए हम पीते हैं। हम भी अभी आ गया हूँ मैं घर पर और ब्लॉग को करते हैं एंड। आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने नहीं करा है सब्सक्राइब। तो चलते हैं अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, लाइक करोगे तो रीच बढ़ेगी, चैनल की रीच बढ़ेगी। सो बाय बाय, टेक केयर।